हेलो दोस्तों और आप देख सकते हैं केक कि हमारा कितना ज्यादा रुई जैसा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है क्रिसमस हो या न्यू ईयर या फिर घर में बच्चों की बर्थडे पार्टी जब भी आपका केक खाने का मन हो तो आप इस तरीके से बिना मेहनत और कम टाइम में हेल्दी और टेस्टी बिल्कुल बेकरी स्टाइल चॉकलेट केक घर पे बना सकते हैं तो, तो चलिए इसे बनाने की एकदम आसान विधि फटाफट से देख लेते हैं इसके लिए यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है और हम इसमें डालेंगे आधा कप यहां कुकिंग ऑयल यहाँ मैंने अन कुकिंग ऑयल का यूज़ किया है और अब हम इसमें डालेंगे एक कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध यहाँ मैंने दूध को बॉईल करके इसे ठंडा कर लिया था और अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप चीनी आप इसमें चीनी को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और अब हम इन सभी को चलाते हुए विस्कर से एक मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच वनीला एसेंस वनीला इस डालकर हम इन सभी को फिर से एक बार विस्कर से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने वेट इंग्रेडिएंट को सारे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे साइड में रखेंगे और इस तरीके से एक ड्राई या दूसरा सूखा बर्तन लेंगे और इस पे छन्नी डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे डेढ़ कप मैदा यहाँ मैंने सेम कप से ही मैदा को भी अच्छे से पहले ही मेजर कर लिया था और अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच कोकोआ पाउडर क्योंकि यहाँ हम चॉकलेट फ्लेवर का बना रहे हैं इसलिए यहाँ मैंने कोकोआ पाउडर का यूज किया है अगर आप वनीला फ्लेवर का बना रहे तो सिर्फ चॉकलेट पाउडर को आप स्कीप कर दे और अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच नमक और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच बेकिंग पाउडर और एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा डालकर हम इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह छान लेंगे जिससे सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इसमें एयर भी बनेगा जिससे केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बनेगा और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से छान लिया है और अब हम इस स्पैचुला से सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम वेट इंग्रेडिएंट लेंगे और इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को हम थोड़े थोड़े करके वेट इंग्रेडिएंट में डालेंगे और अब हम इस से हल्के हाथों से चलाते हुए सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे केक का बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और केक भी हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट होगा और अब हम इसमें बचे हुए बाकी इंग्रेडिएंट डालकर हम बैटर में इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका बिल्कुल स्मूथ बैटर बना लेंगे और आप देख सकते हैं बैटर हमारा काफ़ी थिक हो गया हम इसमें आधा कप और दूध डालकर इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं केक बनाने के लिए बैटर हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है इसे आप कट एंड फूल मेथड से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं और अब हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए बैटर का कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिवन की तरह होना चाहिए तभी केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और अब हम बैटर को ओवर बीट नहीं करेंगे और इसमें एक चम्मच विनीगर डालेंगे अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं विनेगर डालकर हम इसे एक बार फिर से अच्छे से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स कर लेंगे विनीगर डालने से बेकिंग सोडा एक्टिवेट हो जाता है और केक हमारा बिल्कुल मार्केट या बेकरी स्टाइल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है और आप देख सकते हैं केक का बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है इसमें एक भी लम्स नहीं है और बैटर बिल्कुल ही अच्छी तरीके से शाइन कर रहा है और चलिए अब हम इसे साइड में रखेंगे बेक करने के लिए हम एक केक टिन लेंगे यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल साइज का मेरे पास टिफिन पड़ा हुआ था मैं इसका यूज़ कर रही हूँ आप इसकी जगह केक टिन या स्टील का बर्तन का भी यूज़ कर सकते हैं और अब हम केक का बैटर डाल करके इसे अच्छे से फैला देंगे या स्प्रेड कर देंगे जिससे केक हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा और अब हम केक टिन को इस तरीके से एक से दो बार टैप कर लेंगे जिससे इसमें एक्स्ट्रा एयर बाहर निकल जाएगा और अब आप इसे इस तरीके से भी पेक होने के लिए रख सकते हैं लेकिन यहाँ मेरे पास थोड़े से चॉकलेट चिप्स पड़े हुए थे हम इसे केक के बैटर के ऊपर डालेंगे जिससे केक हमारा और ज्यादा चॉकलेटी हो जाएगा और अब हम इस पे कटे हुए थोड़े से काजू और पिस्ता डालकर भी अच्छे से इसे फैला देंगे जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये खाने में और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लगेगा और ये देखिए केक बेक करने के लिए बिल्कुल तैयार है और अब हम एक कुकर लेंगे और अब हम इसमें इस, इस तरीके का एक छोटा सा कटोरी या ढक्कन डालेंगे और अब हम इसके ऊपर बेक होने के लिए केक का बैटर डालेंगे और इसे अच्छे से सेट कर देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बैटर को अच्छे से डाल के सेट कर लिया है और अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसके सीटी को हम निकाल लेंगे और अब हम गैस ऑन करेंगे और एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम कुकर डाल करके इसे हीट कर लेंगे या गर्म होने देंगे जिससे कुकर हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा और एक मिनट के बाद गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे मीडियम फ्लेम पे हम कुकर रख कर इसे 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने देंगे 20 से 25 मिनट हो गए हैं हम कुकर को इस तरीके से खोल कर चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं केक हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से फूल गया है और अब हम एक क्लीन चाकू या नाइफ लेंगे और इसे सेंटर से डाल कर हम चेक कर लेंगे और हम इसे एक बार और चेक कर लेंगे और ये देखिए चाकू हमारा क्लीन निकला है इसका मतलब है कि केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और केक को हम ठंडा होने देंगे आप भी इसे एक से दो घंटे के लिए ठंडा होने दें नहीं तो हाथ हमारा जल सकता है और एक घंटा हो गया है केक हमारा ठंडा हो गया है हम इसे इस तरीके से पलटकर इसे केक मोल्ड से अनमोल्ड कर लेंगे और ये देखिए केक हमारा इजीली अनमोल्ड हो गया है और अब हम बटर पेपर को इस तरीके से बीच में से निकाल के रिमूव कर लेंगे और आप देख सकते हैं केक हमारा नीचे से भी कितना अच्छे और परफेक्ट चालीदार बना है और अब हम इसे पलट देंगे और आप ये देखें केक हमारा बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है और ये बिल्कुल ही बेकरी स्टाइल बना है तो मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं केक हमारा बिल्कुल ही सॉफ्ट स्पॉन्जी और जालीदार बना है तो जब भी घर पे आपका केक खाने का मन हो तो फटाफट से इस रेसिपी को घर पे बनाएं बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा और आप इसे अपने पसंद का ड्राई फ्रूट डालकर इस केक को इजीली घर पे बना सकते हैं वो भी बिना ओवन बिना एग के तो चलिए अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ और आप देख सकते हैं ये केक का एक पीस बिल्कुल ही सॉफ्ट और चालीदार बना है और ये देखिए इसे इस तरीके से प्रेस करने से भी ये बिल्कुल ही सॉफ्ट और इस्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है तो इस तरीके से हम बाकी सारे लेयर भी केक के कट कर लेंगे तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए रेसिपी में